दर, दर, टीचर, देखो क्या-क्या आपको दिख रहा है अपनी क्लासरूम में क्या पड़ा हुआ है सामान बैच, बच्चों, टेबल, अंशनी, जैसी पढ़ना, ठंडा है

जो है वो फुल छुट्टी मूड में है सर सर ये मेरे बेटे सर। ने गुड गुड इवनिंग इवनिंग क्या कह हो सीमा जी ये मेरे बेटे ने बोला गुड इवनिंग बोलता है मैं बोलूंगा आज गुड इवनिंग <laughs> सही है गुड इवनिंग डॉक्टर भविष्य के श्रेष्ठ वैद्य ये इसका तो पता नहीं लेकिन बेटी को बनाने का प्लान है मेरा ये भी बनेगा डॉक्टर जिसका पता नहीं होता वो ही बन जाता है गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग ये तुम्हारी बनाई है सर हाँ जी डॉक्टर सर एक चीज पता करनी थी सर सर जैसे ये अपन आंवले का मुरब्बा डालता है ना जो हम्म तो जैसे हमने उसमें पहले फॉक से वो होल्ड करके उसको बॉईल करने के लिए रख दिया उसके बाद उसमें जो चीनी डलनी है वो मतलब पाक करके डले या फिर सिंपल उसको फिल कर दे ऐसे ही नहीं 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 पाक करके डलेगी डॉक्टर अच्छा वो जैसे चाशनी टाइप जो बनती है हाँ चाशनी करके ओके एक हाँ। मुझे किस किस से माफी मांगनी है कमल जी जी आपको मैं फोन नहीं कर पाया इसके लिए माफी चाहूंगा और और भी एक आध दो जने थे मतलब मैं एक सामूहिक माफी मांग लेता हूँ गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग नमस्कार सर सर मुझे नमस्कार जी सुरभि जी हाँ जी सुरभि जी बोलिए आवाज नहीं आ रही हेलो सर अभी आ रही है अबारी। सर सर ये पूछ रही थी मेरा है ना सर उसको ना दांत तो उसके, उसके, उसके पीछे वाला जो मसूड़ा है ना दाढ़ के पीछे वाला जोड़ा वहाँ पे स्वेलिंग भी हो रही है और सम, उसके ना हमने फिलिंग करवा दी थी एक्चुअली स्टार्टिंग में जब उसको ज्यादा दिक्कत हो रही थी तो ना उसको ना

वो उसके दांत में मसुलवा अच्छा हम्म ठीक है सर और सर अब वो जो उसको मसूडा फूल रहा है अंदर की साइड तो से वो ठीक हो जाएगा ठीक तो हो जाएगा ज्यादा अच्छा। हो तो दंतोद भेद गदांतक रस लेके ना चटा देना दंतंतक दे रस लेके मैं लिख देता हूँ आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ हाँ जी हाँ जी अच्छा ये डॉक्टर जगजीत सिंह जी आपकी एनिवर्सरी कितनी बार है मेरी तो दर एक ही बार <laughs> है डॉक्टर अमनदीप ने दो, दूसरी बार फिर मना दी नहीं नहीं सर एक्चुअल क्या है उन्होंने पार्टी देने का बोला था ना ग्रुप में जब तक पार्टी नहीं देंगे तब तक विश करते रहेंगे ना चलो आप सारे इकट्ठे हो जाओ कहीं पे एक जगह पे फिर मैं पार्टी देता हूँ अमनदीप जो है ना वो थोड़ी सी ऐसे है पता नहीं चलता क्या चल रहा है सिस्टम अनामनदीप सर गुड इवनिंग सर तो वह एक्चुअली मैंने ना फेसबुक पे देखा तो मैंने कहा शायद विश नहीं किया इनको तो मैंने इसलिए कर दिया yeah. मुझे पता ही नहीं लगा सर उस दिन कब थी देखो yeah. आ, आप आ, आप मेरे ख्याल से आपके ज्यादा जानने वाले हैं ना डॉक्टर जगजीत हाँ जी सर तो एक्चुअली मैंने फेसबुक चलाई नहीं अच्छे से दो तीन दिन ना बिजी थी <laughs> तो मुझे पता नहीं चला अच्छे से चलाया करो तो ग्रुप तो चला रहे थे आप <laughs> ग्रुप पे भी नहीं देखा डॉक्टर साहब मैंने डॉक्टर जयेश की उनको मैंने विश किया था आपको मैंने विश नहीं, नहीं किया ग्रुप पे मैंने पेने तो हाँ, आप... तो मुझे नहीं पता चला चलिए जी सर जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर जो डॉक्टर सुरभि बात करी थी ना एक ना लारसिन का वो आता है जीबी पेंट माउथ पेंट आता है

मिल जाता है डॉक्टर रिलीफ बहुत जल्दी मौत हॉक्सर में बहुत ही जल्दी रोल ऑफ आम इन बंधत्व गुड इवनिंग सर जी जी रोल ऑफ आम इन इनफर्टिलिटी आज हम बंधत्व या इनफर्टिलिटी पर बात कर रहे हैं मतलब इनफर्टिलिटी पर बात नहीं कर रहे हैं आम के रोल की बात कर रहे हैं कि वो इनफर्टिलिटी को में उसका क्या योगदान है Uh, मैं ये देखता हूं कि एक तो इनफर्टिलिटी जो है वो इस समाज में अब बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि एक बर्निंग वो है बहुत से कारण हैं स्ट्रेस है खाना पीना ठीक नहीं है लाइफस्टाइल ठीक नहीं है काफी चीजें हैं अब एक बात तो जो हम ये कहेंगे अगर मैं पहली लाइन कहूंगी तो इनफर्टिलिटी इज ए प्रॉब्लम ऑफ द कपल इट इट या बिल्कुल भी नहीं है कि इट्स ए फीमेल प्रॉब्लम और इट्स ए मेल प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी इज ए प्रॉब्लम ऑफ कपल नॉट ऑफ द फीमेल अलोन एंड इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट डिसीज But a condition resulting from various diseases or various factor related to both the male and the female. Uh, the male is directly responsible in 30 percent. The female is 30 percent, and the both responsible in 30 percent cases. The द रिमेनिंग टेन परसेंट अनएक्सप्लेन through investigation with modern modern technical know how, कि किस तरीके से जो है वो हमें मालूम पड़ जाता है कि भाई ये इस तरीके की कोई दिक्कत है तो जो पॉजिटिव फैक्टर फीमेल्स में होते हैं उसको हम दो भागों में बांट देते हैं पहला भाग इनडायरेक्ट और नॉन स्पेसिफिक फैक्टर जो इनडायरेक्ट और नॉन स्पेसिफिक फैक्टर हैं इसमें जो आता है वो ये है कि भाई जैसा कि अगर आप चरक का यानी व्यापक वाला अध्याय देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है मिथ्याचार प्रदुष्टान इंच तो आ, मिथ्या आहार विहार के कारण जो है आ, मिथ्या आहार मिथ्या विहार जो कि वाताती दोषों को प्रकोपित करता है जिसके फलस्वरूप आम उत्पत्ति होती है और कुछ जो है डायरेक्ट और स्पेसिफिक फैक्टर्स भी हैं जो डायरेक्ट और स्पेसिफिक फैक्टर हैं उनको हमने दो भागों में विभाजित कर दिया है प्राइमरी फैक्टर और सेकेंडरी फैक्टर प्राथमिक निदान और द्वितीय निदान या गौण निदान इससे पहले कि जब हम बात करें तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि गर्भ उत्पादक सामग्री इट मीन्स कि आपको क्या क्या चाहिए कि गर्भ की उत्पत्ति हो सके आ, जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो एक सवाल जो है वो अक्सर आपसे पूछा जाता होगा और ये श्लोक जो है वो आपने एनाटॉमी में याद भी किया होगा अगर किसी ने पढ़ाया होगा तो ऋतु क्षेत्र अंबु बीजा नाम समग्र्याद अंकुरो तथा ध्रुव चतुर्नाम सानिध्याद गर्भ से याद विधुपुर का किसी भी बीज के किसी भी संतति की उत्पत्ति के लिए जैसे खेत में क्या चाहिए अगर आप देखेंगे कि जब आप किसी चीज की बिजाई करते हैं तो ऋतु का क्षेत्र माने खेत का उसमें पानी लगने का और उसमें पड़ने वाले बीज के फलस्वरूप है जो है वो अच्छी फसल जो है उत्पन्न होती है चार चीजें चाहिए कि एक तो पर्टिकुलर सीजन चाहिए आपका खेत यानी कि आपकी जमीन जो है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए पानी अच्छा लगना चाहिए और जो बीज डाल रहे हो आप जो खाद डाल रहे हो आप वह अगर अच्छी है तो उसके फलस्वरूप इन चारों के फलस्वरूप जो है एक अच्छा अंकुर उत्पन्न होता है उसी प्रकार से उसी प्रकार से जिस प्रकार से खेत में ऋतु क्षेत्र अंबू और बीज चाहिए उसी प्रकार से संतान को उत्पन्न करने के लिए जो आपका ऋतु काल है जो आपका क्षेत्र यानी गर्भाशय है, है जो फ्लूड है आपका यूटरन फ्लूड है जो कि यूटेरिन बेड के निर्माण के लिए आवश्यक है और स्पर्म एंड ओवम जो बीज है वह जो है वह विधिवत और श्रेष्ठ होने चाहिए तभी उसके फलस्वरूप जो है वो गर्भ जो है वह उत्तम प्रकृति का उत्पन्न होता है और उत्पन्न होता है तो गर्भ की उत्पादित की सामग्री के लिए क्या है ऋतु माने जो काल है यानी कि जो ब्लीडिंग पीरियड है आपका 12 से 16 के पश्चात और फिर उसके पश्चात जो है फेलोपिन ट्यूब जो है वो ओपन होती है यू, माने यूटेरस वो जो है उसकी स्थिति कैसी है उसको मिलने वाले रस की स्थिति कैसी है और जो माता या जो स्त्री बीज बना रही है इस स्त्री बीज को हम ओवम की संज्ञा देते हैं या अंड की संज्ञा देते हैं और आ, जो आ, पुरुष बीज को या पुम बीज को हम स्पर्म कहते हैं वहां सब कैसे होने चाहिए दे आर परफेक्टली ऑल राइट तो आ, ये गर्भ उत्पाद सामग्री है जो हमें समझ में आनी चाहिए अगर डिफेक्ट ऋतु काल में है जैसे नष्टार्थ तो हो गया डिफेक्ट क्षेत्र में है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें भी जो है गड़बड़ है क्षेत्र आपका जो है यानी कि जो जिस जमीन में उगाया जाना है या जहां पर जो है वो बीज उत्पन्न होना है गर्भ उत्पन्न होना है उसको भी हमने दो बार भागों में तीन भागों में डिवाइड कर दिया कुछ फंक्शनल डिसीज हैं जैसे कि प्रदुष्ट आर्तव है आठ प्रकार का श्वेष प्रदर है शुष्क योनी है ठीक है ना तो उनमें भी जैसे आठ प्रकार का जो प्रदुष्ट है उसमें से कुछ वातज हैं कुछ पित्तज हैं कुछ कफज हैं ऑर्गेनिक डिसीज हो गई जैसे कर्णनी महायोनी उदावर्त गर्भाशयर्श बीज कोश ग्रंथि शो जिसको आप पॉलिसिस्टिकोवेरिन डिसीज कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं एट, एट्स, ये ऑर्गेनिक डिसीज हो गई नंबर तीन पर आता है कंजेटल एबनॉर्मलिटीज बीज दोष ठीक है ना आपको बच्ची को वहीं से मिला अंतरमुखी सूची मुखी और शंडी, ठीक है ना स्त्री जो है वो बंधत्व की स्थिति को ही प्राप्त होकर उत्पन्न हुई तीन कंडीशन ये हो गई जो कि डिफेक्ट इन क्षेत्र में थे तीसरा डिफेक्ट इन बी डिफेक्ट इन अंबु तो इम्प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियल बैड और यूटेट बैड बिकॉज ऑफ डिफेक्टिंग नरिशमेंट फ्रॉम रस धातु रस धातु का निर्माण सही तरीके से नहीं हुआ जिसके फलस्वरूप जिस रस के रस की धातु जो है वह दो है स्तन्य एवं आर्तव अब जब तक स्त्री गर्भवती नहीं होती तब तक आर्तव जो है दो प्रकार की उपधातुओं में तो आर्तव उत्पन्न होता है और जैसे ही आर्तव बंद होता है की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है उसी रस धातु के फलस्वरूप ये आपको सर्वविदित है ठीक है ना तो यानी कि जैसे ही वो आ, वो पार्ट जिसने की आर्तव को निकालना बंद किया तो वो ऊपर जाकर जो है क्या कर देता है मेमोरी ग्लैंड्स को एक्टिव कर देता है जिसके फलस्वरूप दुग्ध की उत्पत्ति या स्तन की उत्पत्ति होना शुरू होती है और माता के स्तन में दुग्ध की उत्पत्ति या स्तन उत्पत्ति हो जाती है डिफेक्ट इन बीज एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ स्त्री बीज व्हिच इज कॉल्ड ओम एंड एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ शुक्र बीज विच इज कॉल्ड स्पर्म तो बीज भी ठीक होना चाहिए अंबु भी ठीक होना चाहिए और बंधत्व के कारणों में हमने देख लिया कि कहां, कहां दिक्कत आ सकती है कुछ सेकेंडरी फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि मधुमेह है कि किसी को डायबिटीज है या कोई स्त्री मानसिक रोगी है या किसी स्त्री को थायराइड की समस्या है या कोई स्त्री जो है वो आवश्यकता से अधिक पतली है या आवश्यकता से अधिक मोटी है ठीक है ना निंदली पुरुषों में है जिसकी जो कि हार्मोनल इम्बेलेंस को दिखा रही है तो किन्हीं की वजह से ये जो सेकेंडरी गौण कारक है यह भी जो है वह हमारे ध्यान में रहना चाहिए जबकि हम किसी बंधुत्व के केस को देख रहे हो या उसका अध्ययन कर रहे प्राप्ति तो एज आई एज आई अर्लियर की ऋतु क्षेत्र अंबु बीजाना दीज आर द चीफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसेप्शन और मैंने आपको ये बता दिया कि जो पॉजिटिव फैक्टर्स में है हमने उनको ढूंढा और उनको कैटेगराइज किया These factors are maintained healthy and normal by proper nourishment through ras from circulation. If ahar ras is not formed properly, the resultant amras will do access into circulation in the form of sukshma amras. This sukshma amras, after entering into circulation, cause abnormality in. ऋतु क्षेत्र अंबू एंड बीज बिकॉज गर्भोत्पादक आर्तव इज उपधातु ऑफ रस धातु अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन टू बंधत्व फर्स्ट वी सी संप्राप्ति ऑफ एबनॉर्मलिटी इन ऋतुकाल ऋतुकाल यानी कि जिस टाइम में माता को स्त्री को जो है आ, ब्लीडिंग होती है ना तो ऋतुकाल दैट इज 16 डेज ऑफ ऑव्यूलेशन पीरियड मेंटेन प्रॉपरली व्हेन आर्तव इज नॉर्मल तो जो 28 दिन का समय है उनमें बारह और ट्वेल्व और सिक्सटीन डेज ऑफ ऑव्यूलेशन पीरियड अब ये हमें मालूम है कि आर्तव जो है वो उपधातु है किसकी रस धातु की और हम ये कह के आए कि ऊष्मो अल्प बल धातु आद्यम अपचितम दुष्ट आम अमाशय गतम रसमाम प्रचक्ष दे तो वह जो कड़ी स्टार्ट हुई जठराग्नि के लेवल पर तो जठराग्नि के लेवल से जो कायल था मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसे कायल ही मानेंगे हम जो कि आद्य रस और यह फिर भूताग्नि को प्राप्त हो फिर जाकर जो है वह रस यानी कि जो टिश्यू है उसमें परिवर्तित होगा लेकिन जब हम बात करते हैं कि धातुम आद्यम अरस धातुम आद्यम अपचितम दुष्ट अम, आम अमाशयगतम रसम आमम तो वो जो रस है वो कायल है और फिर वो जो सूक्ष्म आम आमरस है वह पहुंचता है सर्कुलेशन में और आर्तव वह रोध को उत्पन्न कर देता है आमरस इन द सर्कुलेशन आर्तव इज नॉट फॉर्म प्रॉपरली बिकॉज ऑफ आर्तव इज नॉट फॉर्म प्रॉपरली इट कॉज इज आर्तव वह दुष्टि

संप्राप्ति ऑफ एबनॉर्मलिटी इन क्षेत्र क्या होता है कि जो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल है ना हम कहते हैं ना कि भाई ये प्रजनन अंग है और प्रजनन अंग जो है वह पूर्णतया शुद्ध होने चाहिए निरापद होने चाहिए पवित्र होने चाहिए

आप जो क्षेत्र है उसमें हम क्या ले रहे हैं सबसे पहले प्रदुष्ट आर्तव प्रदुष्ट आर्तव माने मेंस्ट्रुअल इफ आर्तव मानेटेड विद सूक्ष्म इट कॉल्ड प्रदुष्ट आर्तव विशेटिड विद सूक्ष्म आमरस इट इज कॉल्ड आर्तव और यह आठ प्रकार का बताया गया है और जब यह प्रदुष्ट आर्तव होता है तब उसमें क्या होगा कि ये समस्या आएगी जी कि जो 28 दिन का चक्र है वो या तो कम हो जाएगा लेस हो जाएगा या अधिक हो जाएगा और कम या ज्यादा होने के बाद इसके बाद एक लक्षण और आएगा कि इम्प्रॉपर ब्लीडिंग होगी कभी दाग दाग देकर ही छूट गया या ऐसा होगा कि ब्लीडिंग हैवी ब्लीडिंग हो रही है जी जिसके फलस्वरूप ओव्यूलेशन डज नॉट ऑकर प्रॉपरली विच कॉज बिकॉज ऑफ नंबर टू अगर आप देखेंगे ना कई बार क्या होता है कई लोग केस ट्रीट करते हैं सोचते हैं अगर आप स्तन्य शोधक द्रव्य देखें स्तन्य प्रजनन द्रव्य देखें या आ, देखें तो वहां पर ना मुस्ता दारू हरिद्रा ऐसे द्रव्य आपको दिखेंगे तो ये द्रव्य क्या करते हैं एक्चुअली में दे आर दे आर डूइंग नथिंग व्हाट दे आर डूइंग दे आर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर रस वो आहार रस और रस को निर्माण करने की प्रक्रिया को सही कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप स्तन्य उत्पन्न हो सकता है आप एक बार अभी जब हम नजर डालेंगे तब मैं आप देखेंगे कि किस तरीके से केवल पाचन के फलस्वरूप जो है वो इनफर्टिलिटी को दूर किया जा सकता है श्वेत प्रदर पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज इसमें क्या होता है कि भाई एबनॉर्मल एक्सेसिव वेजिनल डिस्चार्ज जो है और ये जो एबडोमल एक्सेसिव वेजनल डिस्चार्ज है ये कैसा है इजिल दुर्गंध गुरु वह इसके अंतर्गत इसमें उपस्थित होती हैं। और हमें फिर यह मैं फिर वही बात कहूंगा कि द नॉर्मल सीक्रेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव मेंटेन्ड बाय प्रॉपर नरिशमेंट फ्रॉम रस धातु

और अदर कंडीशन उत्पन्न हो जाती हैं और आम में मैंने ये कहा था कि ये एंटीजन की तरह कार्य करने लग जाते हैं बैक्टीरिया और वायरस तो जब वो बैक्टीरिया जो आते हैं और वो वहां पर आकर क्रिया करते हैं तो वो साम कंडीशन को उत्पन्न कर देते हैं जिसके फलस्वरूप डिफेक्टिव वेजिनल डिस्चार्जेस जो होते हैं वो होने लग जाते हैं जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है कि वो आम जो है वह दुर्गंधता को उत्पिछिलता को उत्पन्न करता है गुरुता को उत्पन्न करता है रसधातु की दूषित अवस्था के कारण वह उत्पन्न होता है और गुरु गुण सीक्रेटेड आर नॉट सुटेबल बिकॉज बिकॉज ऑफ द गति अवरोध फॉर एंट्री एंड पैसेज ऑफ बीज स्पर्म पुम बीज की एंट्री जो होती है वो उसमें बाधा उत्पन्न करती है जिसके फलस्वरूप बंधत्व उत्पन्न हो जाता है स्टीकी हो गया पैसेज तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि इस परम जो है वहा वहीं पर जाकर जो है उसकी एंट्री ही जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाती या वो वहां पर गया भी तो भी जो इस वहाँ की जो कंडीशन है जो वो सूटेबल नहीं होता पाथ और उसके फलस्वरूप जो है दिक्कत आ जाती है बीज कोश ग्रंथी शोफ बीज कोश ग्रंथी यानी कि ओवरी तो नॉर्मल फंक्शन ऑफ बीज ग्रंथी बीज कोश ग्रंथी विच इज ओवरी इज टू प्रोड्यूस्ड बीज विच इज ओवम ड्यूरिंग ऋतुकाल ऋतुकाल के दौरान ओवरी के द्वारा ओवम का उत्पादन किया जाता है बीज कोश ग्रंथि के द्वारा अंडाणु की उत्पत्ति होती है ऋतुकाल के समय गवर्न बाय शुक्र धा अब आप एक सवाल ये कहेंगे कि क्योंकि आप हमारा तो क्या ना कि शुक्र शुक्र शु, जब शुक्र की बात करते हैं तो वो पुरुष के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है ऐसा कई लोग मानते हैं परंतु जब हम शुक्र की बात कर रहे हैं तो स्त्री का जो शुक्र है वो क्या है फॉलिकुल जो शुक्र धात्वाग्नि है दैट इज फॉलिकुलर फॉलिकुलटिंग हार्मोन और हार्मोन तो उसको मैं किसके अंतर्गत लेता हूं शुक्र धातु के अंतर्गत लेता हूं और मेल का जो है वो अलग चला जाता है तो जो uh, स्त्री में भी शुक्र है क्योंकि भाई धातु तो शुक्र uh, रस रक्त मास में अस्थि मज्जा शुक्र है अब इसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि भाई स्त्री में शुक्र उत्पन्न नहीं होता बिल्कुल होता है और उस शुक्र धातुवाग्नि मानदेय यानी कि एफ एस एच और एल एच की कमी के कारण अब ये एफ एस एच और एस एच जो है वो रस में उत्पन्न है रस धातु में उपस्थित और बिकॉज ऑफ hmm. मंदान मंदाग्नि ड्यू टू वेरियस कॉजेज एट शुक्र धातु लेवल रिजल्ट इन टू फॉर्मेशन ऑफ आर्म लीडिंग टू एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बीज कोश ग्रंथी यू कैन से ओवरी दिज आम फैक्टर एंट्रीब्यूट टू गुरु स्थिर गुण इन लाइनिंग मेम्रेन ऑफ ओवम जो ओवम की लाइनिंग मेमब्रेन है उसमें यह गुरु गुण जो है यानी कि मेम्ब्रेन का जो क्योंकि वो सही तरह से परमेबिलिटी नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ दीज गु मेम्ब्रेन बिकम थिक एंड फॉर्म सिस्ट leading to non-rupture of follicle and non-release of ovum hence s3bs or ovum is not formed properly and not released because of ama condition which is one of the major cause of bandhata nowadays so uh, when you're treating uh, polycystic ovarian disease

एक ये भी बड़ा वो चल पड़ा है ना क्योंकि क्या होता है कि कई जो देखिए एक सिंपल सी बात है लोग प्लान करते हैं ना आजकल बच्चे प्लान करते हैं कि हम शादी के हम हम कैरियर बना लेंगे एक दो साल के बाद करेंगे सो so, uh, 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 दे आर दे आर टेकिंग मल्टीपल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स विच कॉजेज द शुक्र धात्वाग्नि सो ये और और भी कई कारण हैं जिसके फलस्वरूप जो है वो शुक्र धात्वाग्नि फास्ट फूड जो है वो ज्यादा ले रहा है घर का काम करना नहीं है बाहर मतलब वो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि पुरुष को और स्त्री को जो है वो बंधत्व की ओर ले जाती हैं उनकी शुक्र धात्वाग्नि को कम कर देती हैं तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो बीजगोश ग्रंथि है उसमें आम धातु की उत्पत्ति हो जाती है क्योंकि वह कन्वर्शन नहीं कर पा रही और जिसके फलस्वरूप गुरु स्थिर गुण जो है वह ओवम की लाइनिंग में बन जाता है वह मोटा होता चला जाता है और सिस्ट का निर्माण कर देता है अब कैसे टूटेगा जी वो फॉलिकल और फॉलिकल जब नहीं टूटेगा तो ओवम का रिलीजेशन नहीं होगा ओवम जो है वो रिलीज नहीं होगा और जो क्या करेगा बंधुत्व की उत्पत्ति करेगा संप्राप्ति ऑफ एबनॉर्मलिटीज ऑफ अंबू अकॉर्डिंग टू डलहन अंबू इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर न्यूट्रीशन ऑफ क्षेत्र दियम क्षेत्र क्या है जिसको अब हम मान रहे हैं एंडोमेट्रियम हो गया क्षेत्र अंबू इज 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 द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर एंडोमेट्रियल बैड फॉर्मेशन इन गर्भाशय इन शारीरिक स्थान सेकंड चैप्टर थर्टी थ्री इन सेकंड वर्स दलहन कोटेड अंबु पुनर आहार पाक जो व्यापी रस धातु बीजम स्त्री पुंसयो पोषक धातु विच नरिशिश गर्भाशय प्रेजेंट इन रस धातु एंटर इनटू गर्भाशय through arthavaha strotas, if ambu is in arm condition due to various causes arthavaha strotas get dushti leading to improper supply of nutrition due to improper supply and sam ambu formation of endometrium will not be proper

संप्राप्ति ऑफ एबनॉर्मलिटी ऑफ बीज शुद्ध शुक्र शुद्ध आर्तव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्भ फॉर्मेशन शुद्ध शुक्र जो है वह कैसा होना चाहिए स्फटिकाभम होना चाहिए मधुरम मधुगंधी होना चाहिए ठीक है ना और स्त्री का भी जो है गुंजा फल इस कांकणंती प्रकाशम ठीक है ना इस प्रकार का शुद्ध शुक्र और शुद्ध आर्तव होना चाहिए विचार नहीं करते हम और हमें विचार करने की आवश्यकता क्योंकि हम अगर मान लो बंधत्व का केस आ गया तो हम सीधा पुष्प पे लग जाते हैं एंड वी आर नॉट गेटिंग रिजल्ट एट ऑल ना हमने कभी बीज का विचार किया ना जो बाजार में दवाई आ रही है बर्गीफोन टिर्गी इस तरह से दवाइयां देकर और वो दे देते हैं और सफलता प्राप्त नहीं होती तो शुक्रम शुक्लम गुरु स्निग्धम मधुरम बहुलम इस प्रकार का जो शुक्र होता है वही जो है गर्भ को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता है इट मीन्स द सीमन विच इज वाइट हैवी स्टीकी एंड स्वीट इन टेस्ट मोर इन क्वांटिटी विच मे लुक लाइक द कलर ऑफ घी हनी एंड ऑयल उद्र निभम तथा इज ऑलवेज फर्टाइल आउट ऑफ सेवरल ऑफ मेल फर्टिलिटी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑलिकोस्पर्मिया क्षीण शुक्र इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेंट कॉजेस बहुत केसेस आएंगे आपके पास और डब्ल्यू एच ओ क्या कहता है कि स्पर्म काउंट If the sperm count is less than 20 million per ml, this is the case of oligospermia. This condition occurred due to various causative factors which can be classified into two: indirect and direct. Indirect factor kyah mitya ahar vihar. जो कि क्या करता है दोष का विशेषण करता है आमोत्पत्ति करता है जिसके फलस्वरूप आ, अन्य धातु संस्टम अवसादी जो मैंने आपको आठ प्रकार के शुक्र दोष याद कराए थे वह उत्पन्न हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप क्या होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर विद वातादी दोष एंड आम

the factors directly interfere with shukra or sperm formation the normal function of testes is to produce healthy sperm and as like women it, it is maintained by shukra

and abnormal semen formation thereby infertility so the causative factors arm causating factors and the shukr mandi factors are becoming responsible for infertility in male so when you are when you are treating uh, ca the case of infertility arm must be considered as a chief pathogenic factor That's why if you see the फर्स्ट चैप्टर ऑफ चरक इन रसायन अध्याय और वाजीकरण अध्याय वहाँ पर जो चरक क्या कहते हैं कि भाई आप जो है रोगी को लंघन पे कर दीजिए और बिना शोधन किए हुए कोई भी वाजीकारक औषध नहीं देना नहीं तो क्या होगा वो कहते हैं कि जिस प्रकार से आप किसी दीवार पर जो कि उसको पुट्टी करते हैं ना अपन दीवार पर रंग करने से पहले तो आपने कहा खराब दीवार पर जैसे आप कितना भी रंग कर दो उस पर कोई रंग नहीं चढ़ेगा तो यू हैव टू क्लींज योर बॉडी देन दीपन पाचन लंगन और शोधन प्यूरिफाई योर बॉडी देन यूज एनी वाजिकारक और रसायन औषध टू बेनिफिटेड ड्रग्स uh, अगर आपको इन औषध से बहुत अच्छा लाभ लेना है तो शरीर को शोधन की प्रक्रिया में डालने के पश्चात अग्निदीपन कीजिए जो कि तुरंत ही हो जाएगा और उस इग्नाइट अग्नि के द्वारा रसाग्नि और शुक्राग्नि अगर आप इस चीज को बहुत ध्यान से अगर सुन रहे होंगे तो दो चीजों के नाम आए एक तो रसाग्नि का लेवल जो है वो आपने देखना है और एक शुक्र धात्वाग्नि का लेवल देखना है शुक्राग्नि का लेवल देखना शुक्राग्नि फीमेल में एफ एस एच और एल एच और मेल में एफ एस एच और टेस्टोस्टेरोन और रसाग्नि का जो है उसको मैं इंसुलिन के रूप में लेता हूं तो कई मेल जो होते हैं वो अगर या फीमेल होती हैं अगर वो मधुमेह से पीड़ित होती हैं तो रस धातु के दुष्ट होने के फलस्वरूप रस आधिकता जो है वह उत्पन्न हो जाती है जो कि अल्टीमेटली क्या करती है तो तो उत्पन्न करती है तो चरक का अध्याय क्या है रसा आ, 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 रसायन अध्याय तो रसायन अध्याय का मतलब ये नहीं है कि वो आपको हम हमेशा यही सोचते हैं आहार रस को सही तरह से उत्पन्न करने की प्रक्रिया है ताकि जो है धातु साम्य बना रहे और दूसरा है कि आप शुक्र आपके पास दो पॉइंट हैं एक एक प्रारंभ का पॉइंट है आप कहीं से भी शुरू कर लीजिए रस से शुक्र चले तक चले तक या शुक्र से रस तक चले जाइए इसलिए उन्होंने बीच का कोई अध्याय नहीं दिया मासीकरण अध्याय नहीं दिया उन्होंने क्या दिया है रसायन अध्याय और वाजीकरण अध्याय इन दो चीजों से ही आप उत्पन्न कर सकते हो तो अः सूक्ष्म आमरस जो होता है वो स्त्रोतोरस मैंने बता दिया कि आपको किस तरह से बीज दोष करता है सेकेंडरी फैक्टर्स में भी मैंने आपको बता दिया कि भाई मधुमेह स्थौल्य ऐसी कई कंडीशन होती हैं जो कि विभिन्न लेवल पर जो है अग्नि मानद्य करती हैं वो जठराग्नि मानद्य भी हो सकता है वो भूताग्नि मानद्य भी हो सकता है वो धात्वाग्नि मानद्य हो सकता है वो महाभूताग्नि मानद्य हो सकता है इन दिस कंडीशन मल रूप धात्वाग्नि existing in the body causes strotolod leads to abnormality in ritukal kshetra ambu and beej which causes ultimately bandhat अब जब हम चिकित्सा करेंगे तो आप कुछ भी कर लीजिए आप कुछ भी दे लीजिए मेल इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए लेकिन जब तक आपने आम दोष को दूर नहीं किया ना और उसको नहीं समझा यू गेट द द रिजल्ट परफेक्टली सो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मंदिर टू आभ्यंतर चिकित्सा एंड चिकित्सा चिकित्सा कंसिस्ट ऑफ दीपन पाचन लेखन अपान वात हर एंड गर्भाशय शोधक ड्रग नंबर टू स्थानीय चिकित्सा लोकल ट्रीटमेंट कंसिस्टिंग uh, उत्तर वस्ती पिचू योनी धौत जिसको क्या कहते हैं डूश दीज लोकल प्रोसीजर्स through vaginal roots uh, procedure help in uh, restoring and proper functioning of reproductive organs by clearing the marga reproductive message, passage, increase proper blood supply and nourish reproductive tissue and maintains its normality. The treatment of bandhatya

By using Shukra Prasadakara Dravya, lead to nourishment to the concerned apparatus of reproduction and by using Shukra Kshodhan Dravya, get Aam at the level leading normal function of reproductive organ. In this way, Agni and Aam plays a vital role in <coughs> alleviating sterility. तो बंध्यत्व कैन बी एलिमिनेटेड एंड कैन बी रीवेलिटेड विद दर अपत्य संतान कर आपने चैप्टर ऑफ वाजीकरण अपत्य कर संतान सद्य संपर्कोटेड द producing an offspring who is capable of producing next healthy progeny for better so healthy society वहां पर लिखा हुआ है संतान में वो संतान का मतलब जैसे वृक्ष में बहुत सारी वो हो जाती हैं उसी प्रकार से आपके भी जो है वो संतान परंपरा है जो कुल परंपरा है वो आगे बढ़ती है तो इस प्रकार से आपने देखना है जब आप चिकित्सा कर रहे हो बंधत्व की ये मैंने आम का रोल बताया है कौन कौन सी ड्रग किस किस लेवल पर हमें लेनी है इनको किस कैसे कैसे आठ प्रकार के शुक्र दोष दूर होंगे कैसे आठ प्रकार के आर्तव दोष दूर होंगे किस प्रकार से ग्रंथियों के फॉलिकल्स हार्मोन को स्टूमुलेट कर, कर ओवम को निकाला जाएगा उस ओवम को सही तरीके से कैरी किया जाएगा और किस प्रकार से शुक्र जो है वो शुक्र तो किस प्रकार से शुक्र शोनत का मिलन हो सके और जायगोट का निर्माण हो सके और उसके पश्चात वो नौ महीने गर्भ में सही तरीके से गति कर सके इन सब के बारे में हम चर्चा जो है वो कालांतर में करेंगे परंतु आम के कंसेप्ट को आपने हृदयार्थ कर लेना है, अच्छी तरीके से समझ लेना है, और चिकित्सा करते समय इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। Thank you sir. Thank you. Thank you sir. Thank you sir. वो कहाँ है मेरी बिटिया? मोहन थैंक यू सर मोहन है क्या जी सर जी कहा है वो सो गई क्या नहीं सर ये जेब गुस्सा होंगी चलो बात करो कहा है सीरत है और कौन खुशी गुड इवनिंग बेटा रिदम और ये रिदम है आगे दो चोटी वाली पीछे खुशी है पिंक में चलो खूब खूब जियो खुश बढ़िया रहे भगवान करे सब कुछ खुशियां मिले आप दोनों को जीते रहो गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट ठीक है जी <laughs> पर अब सुनी जो मैं आम और अग्नि पे अटक गई है बस कौन सर जी सर मैं बात कर रही थी अब ये आम वाले कंसेप्ट जब से ये लेक्चर हुआ ना ये इतना खूबसूरत लेक्चर हुआ है अब जो सूर्य ना दिमाग में वो आम और अग्नि पे अटकी है आए थे सर दो केसेस आए जैसे आज इनफर्टिलिटी के ना तो यही यही शुरू किया पहले <laughs> कलंगन डॉक्टर साहब जिस दिन हम आम और अग्नि की कांसेप्ट को लागू करने लग गए ना तो आप ये समझ लीजिए कि आयुर्वेद जो है वो स्वयं में आने लग जाएगा आपको तो ठीक है इट्स नहीं सर बहुत बहुत दिमाग खुला है सर विजन बहुत क्लियर हुआ है मतलब काफी मतलब पहले जैसे तो हम रहे ही नहीं <laughs> बहुत फर्क पड़ा है सर अभी शुरू किया है ऐसे आपके विजन को फॉलो करता थैंक यू सो मच सर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है सर जो अह uh, सर्टोली सेल होते हैं मॉडर्न में जो इसमें है ना सर टेस्टिस में हम्म तो, तो इसके सामान्य किस में करेंगे सर आयुर्वेद में देखिए क्या होता है कि आप है ना हम हमेशा यही ढूंढते हैं कि भाई सर्टोली देखिए वो क्या है स्त्रोतस है सर्टोली सेल्स इज नथिंग इज स्त्रोतस जी सर ठीक है ना जहां पर अब आप ये देखिए कि आ कहा से रहा है सर्टोली सेल्स के पास तो वो आया है ठीक है ना तो क्या होगा कि मैंने बार बार कहा कि रस धातु जो है अगर आप रस धातु दुष्टि के लक्षण भी देखें तो वहां पर लिख, लिखा हुआ है पांडुत्वाम स्त्रोत्साम रोधहा क्लैव्य क्लैव्य साधक माने कि वो नपुंसकता को शंडत्व को उत्पन्न कर रहा है तो जो उनका है कि भाई वो वहां नहीं ऐसा नहीं है रस धातु जो है जो आपने खाया है उस आहार रस से ही उत्पन्न होकर वहां पर जाकर और शुक्र अग्नि मान दे यानी कि जो तो हार्मोन का लेवल है वहां पर जैसे अगर मैं आपको सटोली सेल्स का नाम बताऊं तो जो शुक्र निर्माणक जो कोशिकाएं हैं उनको सर्टोली सेल्स कहते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है जी सर ठीक है ना हाँ जी सर आपने क्या करना है रस धातु रस अग्नि को करना है फिर अपने आप ठीक हो जाना है हो जा, हो जाना हाँ जी है। हाँ जी सर थैंक यू सर और कोई सवाल हाँ जी सर पूछना था सर हाँ जी हाँ जी डॉक्टर पूछिए हाँ जी सर जैसे हमने बोला ना कि सर आप बता रहे थे कि अंबु में अब नॉर्मलिटी है तो ज्यादा तो ब्लीडिंग हो रही है तो उसको भी सर हम इसी के अंदर लेंगे हो के अंतर्गत हाँ जी सर तो उसमें उसमें भी हम यही सोचेंगे कि इसमें भी आम दृष्टि है हाँ आम दृष्टि है क्लियर कट आम दृष्टि है क्योंकि अगर आम है तो वो क्या कर रहा है कि वो देखिए दो ही कंसेप्ट है ना कंसेप्ट अगर हम पढ़ के चलेंगे भाई या तो कम होगा या ज्यादा होगा और कम या ज्यादा दोनों ही कंडीशन में अत्यार्तव है या अल्प आर्तव है बोथ कंडीशन आर आमजनित क्योंकि देखे अगर मान लीजिए कि अत्यार्तव यानी कि उसने ग्रंथि का निर्माण तो नहीं किया लेकिन वो बाहर निकल गया अगर आर्तव कम आया तो वह गर्भाशय में रुककर ग्रंथि का निर्माण कर देगा ठीक है सर तो सर इसमें कैसे सर वो नहीं मुझे समझ आया कि जैसे लंघन कराएंगे तो हम इसका आम नष्ट कर देंगे हान्जी. अगर आम नष्ट हो गया इट मीन्स कि वो जो अत्यार्थव था वो अपने आप ठीक हो जाएगा फिर बिल्कुल क्योंकि आम तो ही उसको अत्यात्म करा रहा है आम आम क्या एक सिंपल बहुत बहुत एक जिसे हम कहते हैं ना कि एक सिंपल कंसेप्ट समझ लीजिए आप अस्सी परसेंट केस जो है ना वो आपके ऐसे ही होंगे कि आप आ, और अस्सी और जो बहुत से केस हैं वो हम बिगाड़ते भी इसलिए हैं क्योंकि हम क्या करते हैं कि आपके पास जैसे कि ओलेगोस्पर्मिया का पेशेंट आया ठीक है का पेशेंट आया और मैंने उसको सिद्ध मकर ध्वज लिख दी ठीक है सर जी पेशेंट ने कहा जी डॉक्टर साहब मैंने तो एक महीने से ए, एक महीने से मैं खा रहा हूँ फिर वो लोग क्या करते हैं कुछ लोग धातु पौष्टिक चूण भी देते हैं कुछ लोग जो है वो मतलब वो सब कुछ दिए जाएंगे हाँ जी सर पर वो किसी को ये नहीं कहेंगे कि भाई तू उल्लंघन करके पहले पैसेज तो साफ कर ले अब उस गंदी नाली में तो जो भी जाएगा उसे खराब ही होना है बिल्कुल बिल्कुल तो जो जो मेन कंसेप्ट है ना वो मेन कंसेप्ट क्या है कि अग्नि को ध्यान में रखकर रस से शुक्र बनाने की क्रिया को संपादित करना है किसी भी केस में नॉट ओनली इन फर्टिलिटी इन आमवात इन एंका स्पॉन्डिलोसिस इन एस कुछ भी कहीं भी चले जाओ आप तीन तेरह चीजें हैं आपके पास तेरा चीजें कौन कौन सी जठराग्नि, और तेरा, तेरा प्रकार के स्त्रोतस हैं आपके पास तीन दत्त और उन सबको अगर आप एक बार विजुलाइज़ करना शुरू कर दोगे कहीं भी अटक रहा है कुछ करना है तो वहीं पर लगाना है लोग क्या करना शुरू कर देते हैं कि उसने मॉडर्न कर दिया ऐसा किया तो अब हमने कुछ नहीं सोचा उसने कह दिया फाइब्रोड यूटेरस कहा किसी ने कि भाई आपको फाइब्रोड यूटेरस है अब आप छोड़ दीजिए फाइब्रोट्यूटेरस को आप कहिए कि भाई देखिए फाइब्रो यूटेरस का मतलब क्या है कि जो यूटेरस के वाले पार्ट है वहां पर ग्रंथि बन गई यही बात है यही बात है, फिरकुर। फिरकुर। यही, यही बात है ना यानी कि जो आपका गर्भाशय है वह ठीक नहीं है ठीक है अब सबसे पहले तो आप गर्भाशय लिखिए फिर गर्भाशय में क्या होगा अब गर्भाशय जो है उसको आर्तव स्त्रोतस के द्वारा पोषण मिलता है ठीक है जी तो रस धातु को निर्मित करना है सही एक बात नंबर दो की अपान वायु का स्थान है वो दो नंबर तीन की गर्भाशय का शोधन करना है फिर गर्भाशय को बल्य करें। कोष्ठ गर्भाशय को कोष्ठ भी कहा गया आशय है ना गर्भाशय गर्भ आशय एक प्रकार का कोष्ठ है तो जितनी भी बल्य औषधियां हैं वो आप देना शुरू कीजिए देखिए सिंपल ट्रीटमेंट होते हैं ना बहुत सी चीजों के बहुत एक सिंपल ट्रीटमेंट है वो अंतता कैसे आ जाएंगे वो वात कफ के लेवल पर ही आ जाते हैं हम क्या लगे रहते हैं बिना कुछ सोचे समझे ना हमें तो कोई कंसेप्ट तो क्लियर है नहीं हम क्या करते हैं कि भाई पेशेंट आया तो यूटरस का था तो कांचनार गुगुल दे दो जी और किल्लो कांचनार गुगुल खिला देते हैं और वो कहता है बीपी तो ठीक नहीं हो रहा सर वो एक्चुअली वो, वो दिमाग वो, वो, वो जो है ना वो मेरे ख्याल से एक अलग से टीला और खड़ी कर देती है उस यूटेरस में आपने पेशेंट को सबसे पहले क्या करना है देखिए एक एक अगर आप थोड़ा सा है ना एक विजुलाइजेशन अपने दिमाग में कीजिए कि मान लीजिए कि अगर गर्भाशय में भी दिक्कत है तो सबसे पहले क्या कीजिए कि स्टमक से लेकर यूटेरस तक का रास्ता बनाइए जहां जाता है और फिर वहां पर देखिए कि आप नंबर वन सबसे पहले तो निदान परिवर्तन कर दीजिए इसलिए मैं कहता हूं कि रोगी को लंघन पर आप जब डाल देते हो तो जो उसको मिल रही सप्लाई है उसको आप कट करते हो जब आपने उस सप्लाई को कट कर दिया तो आपके पास क्या रह गया कि वो घेराबंदी कर लिया आपने क्योंकि बाहर से अब सामान नहीं आ रहा और अंदर आम है अब हमारी बॉडी क्या करेगी उस आम को यूज करना शुरू करेगी जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि वो आम पाचन की क्रिया स्वाभाविक रूप से आपके शरीर में स्टार्ट हो जाएगी और उस स्वाभाविक आम पाचन के फलस्वरूप क्या होगा स्त्रोतो अवरोध दूर होगा अब आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे भूख लग रही है ठीक है ना आप कहोगे कि यार मुझे कुछ खाने को दो इट मीन्स कि जठराग्नि के लेवल पर अग्नि जो है वो इग्नाइट हो रही है दो तो चीजें हैं जी एंजाइमेटिक लेवल पर यानी कि जठराग्नि और हार्मोन लेवल पर यानी कि धातवाग्नि इस बात को क्लियर करते हैं आप आपकी समझ में आती है ये बात yes, जठराग्नि जट्रा, यानी एंजाइमेटिक लेवल कि भाई फलाना जो है पेप्सिन है रेनिन है और जो अन्य एंजाइम है उनका काम क्या है परिवर्तन करना ठीक है वो जठराग्नि के लेवल पर आ गए फिर उसके पश्चात जब मांस रक्त रस रक्त मांस ये दावाग्नि यहाँ पर हार्मोन लगते हैं जैसे इंसुलिन हो गए भूताग्नि लेवल पर जो आ जाते हैं उस पर कुछ हार्मोन आते हैं दातवाग्नि के लेवल पर हार्मोन आते हैं उन सबको समझ कर और उन पर पर्टिकुलरली एंजाइमेटिक लेवल से लेकर और हार्मोन लेवल तक किस तरह से उन चीजों को सही करना है और मेरी ड्रग जो है वो सीधी टारगेट लेबर सेल पर जाकर लगे उसके लिए मुझे पहले अपना मार्ग तो क्लियर करना होगा अन्यथा कैसे वो लगेगी दवाइये पुष्प धनवा रस खिलाइए आप कांचनार गुगुल पुष्प धनवा रस और पता नहीं क्या क्या मुझे तो याद भी नहीं आ रहा ये जो ड्रग्स हैं ये हम लंघन के बाद स्टार्ट कर सकते हैं कि दीपन पाचन सब यास, कुछ करना देखिए डॉक्टर सपना मैं आपको एक बात बहुत इम्पोर्टेंट बताता हूँ आपने सही से लंगन भी दे तो कहा कि, okay, तो 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 कि नहीं वो आया पेशेंट आपने बारह हजार की दस हजार रूपए की दवाई दे दी और ये आजकल ये धंधा ही है ना आपने देखा होगा वहां पर मिला होगा कहीं जाए बस में जाए तो, yes yes तो लिखा होता है निसंतान मिले yes से ना घबराए जिनको डर लगता वो हमारे पास आए <laughs> और फिर जो है वो दवा दे देते हैं है ना yes और वो कहते हैं किसी को बताना नहीं बस चुपचाप खा लेना अगला बताने <laughs> को भी एक हमारे में समस्या ये भी तो है ना कि हम समस्या ऐसी खड़ी कर लेते हैं अपनी अंदर-अंदर गुट के ना फिर किसी को बताएंगे और उससे भी कहेंगे तुम किसी और को मत बताना कि मुझे ये दिक्कत है मर्दाना जनाना पता नहीं क्या सिस्टम है भारत पता नहीं कब आजाद होगा सर मेरी आवाज आ रही है हां जी हां जी आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है सर आवाज बिल्कुल अच्छी आ रही है आवाज सर बस मैं ये बोलना चाहती थी कि ये चीज प्रैक्टिस में मैंने देखी कुछ ज्यादा पेशेंट तो नहीं क्योंकि वो गायनेक में चले जाते हैं इनफर्टिलिटी के लेकिन मेरे पास कुछ पेशेंट सिर्फ दीपन पाचन से ही उन्होंने कंसीव कर लिया हाँ है। है। और फिर कुछ लोगों ने सिर्फ विरेचन से मतलब जिन लोगों को पांच पाँच छः छह साल से छह साल से उनको नहीं हो रहा था हाँ जी, हाँ कंसीव नहीं कर पा रहे थे और सिंपल सर कुछ तो सिर्फ दीपन पाचन की ड्रग से उन्होंने कंसीव कर लिया बिल्कुल डॉक्टर साहब अगर आपने मार्क सही कर लिया ना आप ऐसे सही करते जाओ। 20 कुछ ऐसे होते हैं स्त्रो है, है, तो रोध जो है वो किसी कारण की वजह से हो रहा है जिसके फल से उन्हें पता नहीं थोड़ा सा वेट ज्यादा है या काम करने की कोई आदत नहीं है मम्मी ने कभी काम कराया नहीं तो फिर वो क्या होता है बस यही होता है वो बैठे बैठे फूल गए तो बस अब चल रहा है काम ठीक है ना हाँ जी हाँ जी डॉक्टर रजनी अगर तो मैंने कुछ कहा होगा आपको तो नहीं सर नहीं नहीं सर मुझे तो आज बच्चे तंग कर रहे हैं मैं खड़े होके आज लेक्चर सुन रही हूँ कभी इधर जाके कभी इधर जाके सर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था कि ही? जैसे हम लोग को तो ट्यूबल ब्लॉकेज के पेशेंट्स हैं उसमें समझ आता है कि ब्लॉकेज है कि आम है पैथोलॉजिकल कंडीशन आ जाती है इसको तो फिर वही डायग्नोस्टिक प्लस के के साथ ही होगा इसका भी जब फिर हम लंगन से ही सोच थे आपको अभी मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ये होगा कि इंडिकेटर्स ऑफ कंडीशंस डायग्नोस्टिक लेवल पर ठीक है ठीक है ना कैसे मान लो अगर आपके पास कोई लेकर आए पर्चा कि भाई मेरी जो है वो आरबीसी इतनी है मेरा यूरिन ऐसा है मेरा ये आसार इतना है मेरा मेरा सीआरपी ऐसा है तो किस प्रकार से हम साम कंडीशन को इवेल्युएट करेंगे ठीक है सर सर जनरली जैसे देखते हैं ओवल्यूशन स्टडीज वगैरह करवाते हैं वो हो जाता है जब एच एस डी वगैरह ट्यूबल ब्लॉकेज का आ जाता है वो मुझे मैं उसके बारे में समझना चाहती थी मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं आपको बताऊंगा ना क्या तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी मैं सर समझ गया आपकी बात हाँ जी ठीक है थैंक यू सर ठीक तो है, है, है बोल रहे थे एक बार की हाँ सर भी बोलो आप बोल रहे थे कि एक बार की वो डिफरेंट टाइप ऑफ लंघन हम कैसे कर सकते हैं सर वो आपने पता नहीं बताया नहीं बताया था जैसे जो डायबिटिक पेशेंट है सर लंघन हम किस किस तरीके से करवा सकते हैं लंघन लंघन जो है आ, दस प्रकार से करा सकते हैं आप एक तो चतुष्प्रकारा संशुद्धि पेशेंट नहीं मानता उसको कहिए कि भाई जब प्यास लगे तो पानी मत पीना तो क्या होगा अच्छा मान लीजिए एक सिंपल सी बात है कि अगर आपको लगता है कि कहीं पर फ्लूड एक्यूमलेट है ठीक है आपने लंगन दे दिया आपने लंगन कैसा दे दिया प्यास लगे तो पानी मत पीना तो बॉडी क्या करेगी ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड बॉडी में पानी उसी को पी जाएगी हाँ जी सर कि नहीं हाँ जी सर यही करेंगे हम भाई शरीर सूखने से पहले वो सूखेगा जो कि एक्यूमुलेटेड है बाद में ही सूखेंगे हम मान लीजिए कि सिंपल सी एक एक बार बार मैं वो बात कहता हूं कि अगर आपकी माताजी ने या आपके पति ने सुरभि जी आपके होने वाले पति ने खाना नहीं बनाया तो आप क्या करोगी आप आसपास का खाना ढूंढकर खा जाओगी ना कि भाई पहले देखोगी कि कोई नमकीन पड़ा है या फ्रिज खोल कर देखोगी कि कुछ पड़ा हो तो मैं खा लू बॉडी भी आगे। आगे। से अगर कुछ नहीं मिला तो अंदर जो पड़ा है आम तो हमारे आम ही पड़ा होता है ना रात का खाना पड़ा हुआ हो शाम का खाना पड़ा हुआ हो फ्रिज में पड़ा हुआ हो या बिस्कुट पड़े हुए होर आम तो पिपासा पे छोड़ दीजिए और कुछ नहीं तो हवा ज्यादा ले लीजिए और कुछ नहीं तो धूप ज्यादा ले लीजिए पिपासा तो तो पाचन उपवास पे रख दीजिए पाचन व्यायाम कर लीजिए बहुत से रीजन तरीकों से कर सकते हैं पेशेंट्स में हम कैसे करेंगे लंगन देखिए डायबिटीज मधुमेह में ना दो प्रकार से होता है किसको कराना है आपने लंगन ना दो प्रकार का दो प्रकार के चिकित्सा सूत्र जो है एक तो एक तो डायबिटीज दो प्रकार के लोगों को हो सकती है एक तो तो स्थूल स्थूल व्यक्ति व्यक्ति को हो रही है है उसकी संप्राप्ति अलग वाले में लंगन जो है वो इंडिकेटेड है okay, यह शोधन इंडिकेटेड है कृषि वाले व्यक्ति में नहीं है अदरवाइज तो आप उसको वैसे ही मार दोगे वैसे धातु पाक हुआ पड़ा है तो किस में लंगन कराना है ये भी आपने देखना है तो उसको जौ का आटा देकर जैसे जौ मिला दी उसके खाने में ऐसा खाना उसको देना जिसके फलस्वरूप क्या हो कि अवशोषण भी हो आ, आ, श, आ, विकृत श्लेष्मा का और जो है उसको भूख भी कम लगे ओके थैंक यू सर तो मैं चलूँ दस दस हो गए अंजी सर गुड नाइट सर थैंक यू सर सत सस्या <laughs> <Good night. laughs> oh, oh, oh. <laughs> देखो दे 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 बेबी बेटा दीदी है हेलो बोलो <laughs> ये रखो सर मेरी नींद है वो बच्चों को देख के बहुत खुश होती है हां हाँ मुझे पता है पता आई नो <laughs> ये इनवदीप सिंह है <laughs> चलो जी ओके okay, जी गुड नाइट हेलो दिया नहीं सा Good night, good night, good. Night. Good, night, good, night, good, night. Good, night. good night, good night, sir. Good night.